Olha lá, como é a arte. जो प्रोडक्ट है हमारे साइड को वहाँ के यहाँ से जी हाँ, नाइन प्लस में आज कुछ खास आपके बीच लेके आया। हम आए हैं बुलतर में, जहाँ बुटीकों का शोरूम है। बुटीकों के जो चेयरमैन अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, जो इंडिया हैंडलूम का जो लोगो है, वो आज आपको इस शोरूम में अब लगातार यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो जितने भी यहाँ शॉल है, दूसरे तरह के उत्पाद यहाँ बनाए जाते हैं, उनमें ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। अध्यक्ष से ही जानते कि क्या कुछ खास है इसमें स्पेशल जी। वैसे तो बुटीकों के जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे शाल, टोपी, मफलर, टाइज, स्कार्फ, स्टोल, सभी कुछ मशहूर है। पर एक और इसके गुणवत्ता में जुड़ गया है कि जो वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने इंडिया हैंडलूम का जो है ये ब्रांड जो है घोषित किया है, जिसके मुताबिक कि जो अच्छी क्वालिटी के हो और जो अच्छी किस्म हो, गुणवत्ता वाली हो, और उनको जो है इंडिया हैंडलूम ब्रांड दिया है, ताकि विदेशों में भी इसकी गुणवत्ता का ज्ञान हो और इसकी जो एक्सपोर्ट वगैरह अच्छी हो, प्रदेश के अंदर भी हो, देश के अंदर भी हो। और इसके साथ साथ इसमें जो है हमारे कुल्लू के, खास करके बुटीकों के तीन उत्पाद अभी तक जो है इसमें इंडिया हैंडलूम ब्रांड में आए हैं। एक यहाँ की स्टोल, और उसके बाद ये पट्टी और शॉल, ये तीन चीज़ें जो है इसमें इंडिया हैंडलूम ब्रांड में आई है। इसके अलावा जो है ये सारा हमने जब भी जहाँ जाते, अभी हम अब्रॉड भी गए थे, पेरिस में एग्जीबिशन लगी थी, तो वहाँ भी हमने इंडिया हैंडलूम ब्रांड को डिस्प्ले किया था और ग्राहकों को बताने की कोशिश की थी कि भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने इस ब्रांड को इसलिए किया ताकि इसकी गुणवत्ता की जाँच हो, और अगर किसी को कोई शक हो या कुछ हो तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारा चेक कर सकता है। और ये सारा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिया गया। इससे जो हिंदुस्तान की जो हथकरघा के उत्पाद हैं उनमें बड़ा सहयोग मिला है। इसमें एक और स्कीम है कि जिसके पास भी इंडिया हैंडलूम ब्रांड है, उसके पास उसके शोरूम में खुला स्पेस होना चाहिए, तो उसमें से आप जो है अपना माल इंडिया हैंडलूम ब्रांड का बेच सकते हैं। कोई तमिलनाडु का हो, वेस्ट बंगाल का हो, पंजाब का हो, या देश के किसी हिस्से का, अगर जो कोई इंडिया हैंडलूम ब्रांड की कोई चीज़ बनी हुई है वो हम सेल करेंगे, और हमारे जो इंडिया हैंडलूम ब्रांड के जो उत्पाद हैं वो जाके देश में, जितने भी देश या प्रदेश में जहाँ जहाँ भी इंडिया हैंडलूम ब्रांड जिनको मिला है, जहाँ की एक अलग से इसका जो जगह सुरक्षित होगी, वहाँ इसको बिक्री के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जो ऊपर का सारा है ये सारा इंडिया हैंडलूम ब्रांड के लिए है, और ये सारा आप इसमें हमने शो किया कि बुटीकों को जो है इंडिया हैंडलूम ब्रांड मिला है। और इसके साथ साथ यहाँ वस्त्र मंत्रालय से बीवर सर्विस सेंटर कुल्लू से आए मिस्टर रावत, ये यहाँ के कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज हैं। मिस्टर शिंदे हैं जो कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो है यहाँ ऑफिसर हैं इसमें, ये भी सारे को हिमाचल को यहीं से देखते हैं। तो इसके साथ साथ सारे हमारे आज यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं। उसका मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि जो इंडिया का जो हैंडलूम है वो शुद्ध हैंडलूम है, अच्छी क्वालिटी का है। हमने जो अपना हैंडलूम ब्रांड करवाया वो ऊन का है, वैसे सूत का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है। हमारे जो ऊनी हैंडलूम ब्रांड है वो खूब वैसे भी बहुत मशहूर है, पर इसमें जो इंडिया हैंडलूम ब्रांड होगा इसमें 100% जो भी वस्तु पूरी ऊन की होनी चाहिए, उसमें एरिए के बीच में कोई कैशमीर ऊन ला दिया डिज़ाइन में, या उसमें जो आप कोई एक्रेलिक लगा दें या कोई और जो है सिंथेटिक लगा दें, इसमें डिज़ाइन में भी जो लगेगा वो भी ऊन ही लगेगी उसमें।
और उसके ऊपर जो इसकी इंस्पेक्शन की चेकिंग सारे देश में हमारे वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी जैसे दिल्ली में श्री रावत जी हैं, ये सब चीज़ों को देखेंगे कि क्या जो इंस्ट्रक्शंस है वो पूरे ढंग से फॉलो की जा रही है कि नहीं। आप जानना चाहेंगे अगर मार्केट में ये उत्पाद आ रहा है तो लोग किस तरह से जांच करें, क्या लोगों के पास कुछ ऐसा मेथड है कि लोग पर करें, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से एक रुझान रहता है कि अगर असली है तो नकली भी साथ साथ चलता है, तो डुप्लीकेट शॉल भी चलती है, तो लोग किस तरह से इस ब्रांड के बारे में। इंडिया हैंडलूम ब्रांड एक तो मैंने आप बताया कि 100% जैसे हमारा ऊन का है तो ये 100% ऊन होनी चाहिए, तो इसका जो है टेस्ट इसके जो है ये हमारे जोधपुर से बूल बोर्ड उनके यहाँ कुल्लू में लैब लगी हुई है, हमारे भुट्टी को अपने लैब है या किसी बड़ी भी लैब में चाहे वो दिल्ली है या बाकी जगह, वहाँ से जांच करवा सकते हैं उसका धागा देकर उसको दे करके। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी तभी देते हैं कि जब उसकी जो जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जो है ठीक ढंग से जो है आइडेंटिफाई करके किया हुआ। और वैसे भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के यहाँ अधिकारी हैं वो भी उसको चेकिंग करेंगे सारे स्टेट में और यहाँ, और इसमें अगर कोई शिकायत हो जाए तो उसका ये जो ख़त्म हो सकता है उसका जो रजिस्ट्रेशन है इसमें इंडिया हैंडलूम में वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें शुद्ध 100% उसमें वूल होनी चाहिए, इसलिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड में ऊपर सारा सिर्फ शुद्ध वूल का ही है। और जैसे यहाँ निचला सेक्शन है हमारा, इसमें हमारे मल्टी कलर के शॉल्स हैं या मफलर्स में जो है डिज़ाइन में थोड़ा थोड़ा जो है किसी में सिंथेटिक लगा किसी में कोई और चीज़ लगी है, पर ऊपर का जो जैसे इंडिया हैंडलूम ब्रांड का जो है वहाँ केवल 100% वूल, चाहे डिज़ाइन हो चाहे कुछ और भी हो, बाकी तो बूटी को भी जितने उत्पाद हैं उनमें सब 100% वूल होती है, पर डिज़ाइन पार्ट में कहीं कहीं सिंथेटिक यूज़ किया जाता है, पर इसमें जहाँ इंडिया हैंडलूम ब्रांड है उसमें बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई जाएगी, 100% उसमें कोई भी चीज़ हो उस सारा वो इसका होना चाहिए वूल का। जी हाँ, अगर आप इस शोरूम में आए तो ज़रूर ये उत्पाद यहाँ से खरीदें, क्योंकि जो 100% अगर शुद्ध वूल की बात करें तो इंडिया हैंडलूम का जो ब्रांड है वो आज इसमें मिल चुका है, बुटीक शोरूम में आप ज़रूर आएँ, यहाँ से एक बार ज़रूर देखें और इस उत्पाद को ज़रूर खरीदें।